सेरेब्रम द गैप बिटवीन टू नर्व सेल इज कॉल्ड है ना दो कोशिकाओं के बीच में दो नर्व कोशिकाओं के बीच में गैप सिनेप्सिस है ना द आंसर इन वन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लैक लेयर डिपॉजिटेड और सिल्वर ज्वेलरी काम कीजिए सर ये तो क्या डिस्टर्ब हो रहे मेरे को लगता है आप ही करवा देना है पेपर आप पेपर आप केमिस्ट्री वाला पार्ट पूरा केमिस्ट्री करवा देता हूं वाला और बस सारे पेपर का केमिस्ट्री वाला आपका है ना हां पेपर वहां पूरे रखते हैं फिजिक्स वाला और बायो में करा है ना ठीक है ये तो जो केमिस्ट्री आपको दिख रहा है ना ब्लैक लेयर जम जाती वो ब्लैक लेयर कौन है सिल्वर सल्फाइड होता है सीजीपी सिल्वर सल्फाइड होता है ब्लैक लेयर पर इस लेयर गवर्नमेंट का ही है ना ये बहुत बेहतरीन पेपर है सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है Ag2S जो ब्लैक लेयर है बनती काली पड़ जाती है ना ज्वेलरी सिल्वर ज्वेलरी किसके कारण बन जाती है Ag2S एटमॉस्फेयर में एक गैस होती है H2S रोटेन एग स्मेल गैस सड़े अंडे की गंध वाली गैस होती है H2S ये जब सिल्वर से रिएक्ट होती है सिल्वर से क्रिया करती है ज्वेलरी से तो वो काली पड़ जाती है Ag2S बनने के कारण ठीक है राइट द पॉपुलर नेम ऑफ CaOCl2 CaOCl2 का क्या नाम है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण ब्रंजक चूर्ण थ्रू विच आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म फ्लोस इन ह्यूमन ब्लड अशुद्ध रक्त कौन सी आर्टरी ले जाती है धमनी कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी है पल्मोनरी है ना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है न्यूरॉन नेफ्रॉन नेफ्रॉन नर्वस सिस्टम की ब्रेन की न्यूरॉन और किडनी की नेफ्रॉन एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब वो किडनी वाला नर्वस सिस्टम ब्रेन वाला डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन कॉसेस डायबिटीज डायबिटीज किसके कारण होता है इंसुलिन कहां से सिक्रीट होता है इंसुलिन पैनक्रियास से ऑन ए प्लेन मिरर एफ एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टेड रे प्लेन मिरर में स्नेल्स लॉ क्या है न्यू क्वेश्चन साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ न्यू क्वेश्चन साइन आई अपॉन साइन आर प्लेन मिरर पर अगर इंसिडेंट एंगल 30 है तो प्लेन मिरर पर इंसिडेंट एंगल 30 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा 30 ही होगा वो सेम ही रहता है हमेशा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल नहीं साइन आई इक्वल टू साइन आर स्नेल्स लॉ ये होता ना मेरे माइंड से स्लिप होने म्यू बराबर साइन आई था ना साइन आर सही था वो म्यू बराबर साइन आई साइन आई अपॉन साइन आर ठीक चलो नेक्स्ट व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन टू फेसेस ऑफ ए प्रिज्म दो फेसेस ऑफ प्रिज्म विचलन कोण विचलन कोण रिफ्लेक्शन एंगल हाँ रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टेड एंगल है ना हाँ डिफ्लेक्टेड एंगल डिफ्लेक्टेड एंगल विचलन कोण डिजीज ऑफ आई दो तीन दोनों आना चाहिए मायोपिया और प्रेस मायोपिया टिंडल इफेक्ट में बता दीजिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना नहीं टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटे जैसे अंधेरे में यहाँ से लाइट जाएगी तो आपको लाइट पास हो रही ना अंधेरे कमरे में तो वो आपको क्या होगा उसमें धूल वूल के कण रहेंगे सब्सटेंस सन रहेगा वो आपको दिखाई देगा इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं मतलब जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा शाम के समय कार की हेडलाइट देखना तो उधर धूल के कण नीचे बैठते दिखाई देते ये टिंडल इफेक्ट क्या है
है ना, इसे किंडल इफेक्ट कहते हैं। स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जब जो सनलाइट है उसमें 7 कलर होते हैं, जब ये टकराते हैं तो बिखर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? किससे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से टकराते हैं, डस्ट से या जो भी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं। तो जब लाइट छोटे मॉलिक्यूल से टकराकर चारों ओर फैल जाती है, उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार तारों का नहीं, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ये समझा दे तो 2 मिनट लगेंगे। बेटा तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बस सिंपल बात, तारे से आने वाली किरणें है ना लगातार अपना मार्ग बदलते रहती है, क्योंकि अलग अलग रास्तों में टेम्परेचर अलग अलग होता है। स्टार से अर्थ तक आने में टेम्परेचर डिफरेंस होता है और एयर डेंसिटी भी अलग होती है। नीचे एयर डेंसिटी कम है, ऊपर ज़्यादा, एयर डेंसिटी ज़्यादा होती, कहीं सघन माध्यम होता, कहीं विरल माध्यम होता। तो लगातार ये कभी नॉर्मल की ओर मुड़ता है, कभी नॉर्मल से दूर हटता है, कभी नॉर्मल की ओर मुड़ता है, कभी नॉर्मल से दूर हटता है। जब हम तारे को देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते। केमिस्ट्री वाला 7-8 पेपर है सर, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं? उसमें हीट रिलीज होती है ना। सिल्वर क्लोराइड को डार्क बॉटल में क्यों रखा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग के डार्क बॉटल में, AgCl सनलाइट से सूर्य प्रकाश से ब्रेक हो जाता है, Ag और Cl क्रिया करके ब्रेक हो जाता है। AgCl पूछे या AgBr पूछे, दोनों में एक ही आंसर करना, वो टूट जाता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए उसको गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। केमिकल रिएक्शन के कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया के 2 गुण, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या अभिकारक और उत्पाद आपस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्ट होते हैं और रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना देते हैं। परिवर्तन होता है, कलर चेंज होता है और अवस्था परिवर्तन भी होता है। अवस्था परिवर्तन, सॉलिड से गैस बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, अवस्था परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया में, और कलर चेंज होता है, कलर चेंज होता है ना। रेंसिडिटी फूड का ऑक्सीडेशन है ना। प्रिवेंशन की मेथड कोई 2 रेंसिडिटी से भोजन को खराब होने से कैसे बचाना चाहिए है ना, और कुछ सब्सटेंस मिला दें जिससे नाइट्रोजन प्लस कर देते, नाइट्रोजन प्लस कर देते, प्लस कर देते हैं चिप्स वगैरह में, तो जो लेयर्स रहती है वो फूली दिखती है, है ना, और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला और फ्लैग्ड लाइम, तो एक है क्विक लाइम, क्विक लाइम बिना बुझा चुना ये है CaO। दूसरा है स्लैग्ड लाइम, ये है बुझा CaO एस्ट्राइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर लाइम वाटर इसको बोलेंगे चूने का पानी। स्लैग्ड लाइम और लाइम वाटर का फॉर्मूला एक ही है CaO एस्ट्राइस बुझा हुआ चूना, और एक ये भी रिएक्शन है कि जो स्लैग्ड लाइम है बिना बुझा चुना है, CaO क्या है बिना बुझा चाहे चुना, इसमें अगर पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चुना। तो घर पे तुम चूना खरीद के लाए हो, उसमें पानी मिलाया हो तो डिब्बा गर्म हो जाता है, मतलब ये चूने में पानी मिला के ये क्रिया है जो ये एक्सोथर्मिक है, उसमें छेपी है। ठीक है, वॉशिंग सोडा के कुछ 2 इंडस्ट्रियल यूज बताओ।
वॉशिंग सोडा है ना, और हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की कठोरता दूर करने। एसिड और बेस में दो डिफरेंस, और बेस में OH माइनस, ये ब्लू लिटमस को रेड करता है, वो रेड लिटमस को ब्लू करता है। राइट टू डिफरेंस, ये तो हो गया। व्हाट इज एसिड रेन? तो ये जो इंडस्ट्रीज होती है, ये हटा दो,